देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में मैं हूं आपके साथ लीना। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। खास बदलावों के साथ होगा छत्तीसगढ़ में चुनाव। वीवीपैट मशीन के प्रति मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक, प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। कलेक्टर ओपी चौधरी ने दिया पद से इस्तीफा, प्रधानमंत्री सचिवालय ने दी मंजूरी। और जागरूकता ही एड्स से बचाव, एड्स संक्रमित माता को होना है जागरूक। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2018 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव संबंधी सभी कार्यों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम अंतिम दौर पर है, तो वहीं वीवीपैट मशीन के प्रदर्शन को लेकर भी आयोग जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण की तिथि 21 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 तक कर दी है। इस बीच जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ना, मृत्यु के बाद नाम कटवाना, स्थानांतरण या और भी किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार किया जा सकता है। मतदाता सूची में साहित्यकार, खेल, मीडिया और थर्ड जेंडर लोगों के नाम न छूटे, इसके लिए निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी को निर्देश दिया गया है। वहीं प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटिंग के दौरान विशेष रूप से व्यवस्था करने आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दिव्यांगों के नाम जोड़ने और उनके पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में भी स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया गया है, ताकि कोई भी दिव्यांग का नाम मतदाता सूची में न छूट जाए। सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि तक छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के आंकड़ों की स्पष्ट जानकारी होने की बात मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कही। मतदाता सूची में पर्संस विथ डिसेबिलिटीज अर्थात दिव्यांगजन वोटर्स की पहचान और उनके पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूरे स्टेट में दिव्यांगजनों को जुड़ने के लिए, उनका दिव्यांगता की जानकारी एंट्री करने के लिए स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया गया है, जिसके आधार पर हमारे पास आंकड़े आते जा रहे हैं। जब तक हमारा ये लिस्ट फाइनल होगा तब तक मेरा उम्मीद है कि लगभग सभी जन का इसमें एंट्री हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि जिला स्तर पर हर गांव में पोलिंग बूथ पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 25 सितंबर तक दो चरणों में वीवीपीएटी ईवीएम बैलेट यूनिट का प्रदर्शन भी होगा। विधानसभा चुनाव में पहली बार छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाएगा। राजधानी में जागरूकता के तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही वीवीपैट मशीन से मतदान करने की विधि की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल एक ऐसी मशीन है जिसमें मतदाता द्वारा वोट किए जाने पर एक छपी हुई पर्ची दिखाई देती है, जिसमें वोट किए गए उम्मीदवार का नाम, क्रमांक और उसका चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। 7 सेकंड बाद वही पर्ची अलग होकर नीचे मशीन के अंदर गिर जाती है, जिससे मतदाता अपने द्वारा किए गए वोट का मिलान कर सकता है। पहली बार उपयोग होने वाले वीवीपैट को मद्देनजर रखते हुए सभी ग्रामों में, सभी भवनों में, मेजर बिल्डिंग्स में, ऑफिसेस में हम इनका एक डेमो अवेयरनेस कैंपेन करने जा रहे हैं। इनका कार्यक्रम तय हुआ है, वो नया रायपुर के लिए हमने शुरुआत की है, सरकारी या शासकीय भवनों में। यहाँ नेक्स्ट स्टेज में नगर निगम का कार्यालय में हमारा एक दिन का रहेगा। ऐसे जो बड़े कार्यालय हैं जहाँ समूह में लोग मिल जाएंगे, वहाँ हम एक दिन या आधा दिन का हम डेमोंस्ट्रेशन प्रोग्राम रखेंगे। प्रदेश में होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा युवा मतदाता होंगे, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग वीवीपैट का प्रदर्शन सभी मतदान केंद्रों, हाट, बाजार, सिनेमा हॉल के बाहर और मोबाइल वैन के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था किया गया है, ताकि मतदान बिना रुकावट के 100% हो सके। देश टीवी के लिए कैमरामैन सिनेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के अभियंता संघ के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री का अभियंता संघ द्वारा ऊर्जा पुरुष के रूप में शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अभियंता संघ की स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 में ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति बड़ी कमजोर थी। मुझे इस बात की चिंता रहती थी कि राज्य के दूरस्थ गांवों और अंतिम व्यक्ति के घरों को रोशन करने में कब सफलता मिलेगी, लेकिन विद्युत मंडल के अभियंताओं की टीम ने अथक परिश्रम कर ये सपना 2018 में साकार कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि विचार और तकनीक को जोड़कर मानवता के लिए कार्य करने वाला ही सफल इंजीनियर होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तेजी से विकास करने के लिए विद्युत विकास का मूल मंत्र है। राज्य में विद्युत मंडल के अभियंताओं में अथक परिश्रम से विद्युत का नेटवर्क स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने अभियंता संघ द्वारा केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के निर्णय को मानवता से भरा कार्य बताते हुए इस पहल की सराहना की। उन्होंने अभियंताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ के हमारे अभियंता संघ महासंघ का सम्मेलन हुआ, जिसमें पूरे चाहे पावर जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो और होल्डिंग कंपनी हो, सभी लोगों ने आज भागीदारी दी। और ये इनका एक राष्ट्र प्रदेश स्तर का आयोजन होता है, उसमें शिवराज जी भी उपस्थित थे, माननीय बोड़ा जी भी उपस्थित थे और बहुत अच्छे परिवेश में, क्योंकि ऊर्जा विभाग इस स्टेट की सबसे बड़ी आवश्यकता है और एक बड़ी दायित्व है, बड़ा काम है पूरे स्टेट में आखिरी गांव तक बिजली ले जाना, सौभाग्य योजना को आखिरी गांव तक ले जाना, विद्युत के कनेक्शन, पंप कनेक्शन देना, तो ये सब में लगे हैं। मैंने इनको बधाई भी दी और एक बड़ा सहयोग दिया, 1 करोड़ की राशि इन्होंने दिया है केरल के बाढ़ पीड़ितों को, उनको भी मैं धन्यवाद दिया हूँ। आगे और हम अपनी गतिशीलता को बढ़ाएंगे। ऊर्जा मंत्री के नाते मुझे हमेशा सहयोग इनका मिलता रहा है, मैंने सबको धन्यवाद दिया। राजीव भवन में हुए प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 50 से ज्यादा सीटों पर नामों की चर्चा की गई थी, जिसके बाद शनिवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रखी गई। बैठक में दावेदारों की सूची में अंतिम नाम तय करने पर मंथन किया गया। प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अश्विनी कोटवार और रोहित चौधरी सहित छत्तीसगढ़ के आला नेताओं और अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रमुखों से प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष डीएस सिंहदेव ने बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि बैठक में राज्य में जितनी समस्याएं हैं, जिनसे हमें चिंतन करना चाहिए, उसकी सर्वे की रूपरेखा और आंकड़े सामने रखे गए हैं। विशेष रूप से प्रदेश के लोगों में रुझान की बात की गई। बैठक में प्रत्याशियों को लेकर जो भी बात हुई उसे उजागर नहीं किया जाएगा। इश्यूज का और राज्य में जो विभिन्न इश्यूज हैं जिनके बारे में हम लोग को चिंतन करना चाहिए और चिंतन कर रहे हैं, उसके सर्वे की रूपरेखा सामने रखी गई, आंकड़े सामने रखे गए, क्या इश्यूज हैं, लोगों ने क्या रुझान दिया, तो ये स्वाभाविक है कि एक गुप्त हम लोग उसको जानकारी रखना चाहेंगे। मेरे ख्याल से हुई है, लेकिन उसकी चर्चा या उसका प्रदर्शन आज नहीं था। ये महीनेवार इश्यूज वगैरह स्थिति क्या है, शायद जून का आज था, जुलाई का जो सर्वे हुआ होगा वो अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। नहीं, आज की बैठक में तो कोई भी चर्चा नहीं। कल बैठक में जानकारियाँ आई थी कि इतने आ गए हैं, आवेदन नहीं कहना चाहिए, बायोडाटा इतने आ गए हैं, तो वो ब्लॉक और जिला और समन्वयक उनकी रिपोर्ट कर लाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कलश यात्रा में ठहाके लगाने पर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। मंत्रियों की हंसी पर अटल जी की भतीजी और कांग्रेस नेत्री करुणा शुक्ला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शुक्ला ने उक्त मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग की है। वहीं करुणा की इस मांग पर भाजपा ने भी तीखा जवाब दिया है। करुणा शुक्ला के इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने उन पर हमला बोला है। उपासने ने कहा कि भाजपा को नसीहत देने से पहले करुणा अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा कि अटल जी की भतीजी होने की बात कहकर उन्होंने जिस तरह से दल बदल किया था, वो कभी भी अटल जी के सिद्धांतों में नहीं था। कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के पहले भुनाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस नाकाम रहेगी। किसी अन्य बात को लेकर कोई हंसा हो तो उस बातों को लेकर इस घटनाक्रम इस दुखद बेला में उसको शामिल करना, ये जिन्होंने भी आरोप लगाया है उनकी सोच संकीर्ण है। जिन लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं अपने गिरेबा में झांकें कि क्या उन्होंने अटल जी के चिन्हों पर चलना उनके रिश्तेदार होकर स्वीकार किया। अटल जी ने इस पार्टी में पूरा जीवन, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, पूरा जीवन देश सेवा के लिए, पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। कभी झंझावातों से जूझते रहे, अनेक उतार चढ़ाव आए, हार जीत
का सामना किया, अपमान सहन किया, लेकिन कभी भी पार्टी को छोड़कर वे नहीं गए अपने निहित स्वार्थों के चलते। तो जिन लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले वे अपना गिरेमा झाके अपना अध्ययन करें कि क्या वे खुद अटल जी के आदर्शों पर चले हैं।